राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान योद्धा चैनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं ग्राम कसमपुर खोला में। यहां पे किसान भाई ने बेहद ही अच्छी तरीके से मकान बना रखा है और इनके पास घोड़ा से लेके नागौरी बैल सभी है और पशु वगैरह का बहुत शौक है भाइयों, वो भी आपको दिखाएंगे। और सामने देखो भाइयों, मैं दिखा दूँ आपको, ये इधर से देखो भाइयों, ये यहाँ से, और देखो सामने हुक्का वगैरह और खाट वगैरह रखी है। ये देखो भाइयों, सामने खाट वगैरह पड़ी हुई है और सारी चीज़ बारीकी से दिखाना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों की, क्योंकि कुछ भाइयों की डिमांड आ रही थी और आज मैं फिर से ले आया हूँ आपको गांव कसमपुर खोला में। ये देखो भाइयों, सामने हुक्का रखा है किसानों के ठाट, हुक्का और खाट। ये देखो भाइयों, और एक बार इधर से दिखाऊं दोस्तों, ये देखो भाइयों, मैं हर चीज़ अपने किसान भाइयों को बारीकी से दिखाना चाहता हूं। और किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ये देखो भाइयों, कितने अच्छे तरीके से बना रखा है और काफ़ी पुराना मकान है इनका। ये देखो भाइयों, ये इधर से देखो भाइयों, ये जो सामने देख रहे हैं ये दुबार है जो गाँव देहात में होता है। और नहीं, ट्रैक्टर वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको, उधर साइड ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह सब चीज़ खड़ी है। तो किसान भाई वीडियो में बने रहे। ये देखो भाइयों, कितना बड़ा घेर है इनका और एक घोड़ा भी पाल रखा है इन्होंने, वो भी दिखाएंगे आपको। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रैक्टर के पास। ये देखो भाइयों, ये इधर से देखते हैं आप सभी। ये देखो भाइयों, सामने ट्रैक्टर है और गाड़ी है और इधर साइड में ट्रॉली वगैरह खड़ी है दो। ये देखो भाइयों, पूरी चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा और बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा भाइयों। इधर बुलेट वगैरह खड़ी है और सामने स्कॉर्पियो गाड़ी है और एक ट्रैक्टर बोरा, एक फार्म टेक का ट्रैक्टर है। तो सारी चीज़ बारीकी से दिखाई जाएगी। ये देखो भाइयों, इधर स्कॉर्पियो गाड़ी है और इधर बुलेट खड़ी हुई है। ये देखो भाइयों, हर चीज़ है घर में, कृषि यंत्र से ले गए घोड़ा गाड़ी सब चीज़ है। और खेती भी जो है ट्रंज द्वारा करते हैं। ये देखो भाइयों, एक गाड़ी है, दो ट्रैक्टर है। ये देखो भाइयों, और गांव में काफ़ी नाम चलता है। ये देखो भाइयों, इनके जो पिताजी है वो शुरू से ही बैलों के शौकीन रहे हैं और नागौर नस्ल के बैल और घोड़ा गाड़ी पहले से घर में है। ये देखो भाइयों, इधर इनकी गाड़ी होगी और उधर दो दो ट्रैक्टर खड़े हैं। ये देखो भाइयों, एक महिंद्रा का है 575 DI में और एक फार्मटेक 60 है। ये देखो भाइयों, दोनों शेर लग रहे हैं खड़े हुए बिल्कुल। ये देखो भाइयों, इधर फार्मटेक 60 खड़ा है, ये भी खेती का राजा कहा जाता है इस ट्रैक्टर को। और बड़े ट्रैक्टर है फार्मटेक 60 भी और महिंद्रा 575 भी दमदार ट्रैक्टर है। ये देखो भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर ये यूज करते हैं खेती बाड़ी में। और इधर इनकी स्प्रे करने की मशीन है और इधर साइड में कृषि यंत्र रखे हैं दोस्तों। ये देखो भाइयों, दो दो ट्रॉली, उधर साइड में कृषि यंत्र। और ये देखो भाइयों, इधर साइड में बैलगाड़ी है और इधर देखो ट्रॉली वगैरह, कृषि यंत्र, ए टू जेड सारी चीज़ें घर में अवेलेबल है। और इधर से मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, ये देखो भाइयों, वहाँ पे सामने पशुओं का रखा है और हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी, बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखो भाइयों, सामने घोड़ा बन रहा है। ये देखो भाइयों, उधर नागौर नस्ल के बैल है। ये देखो भाइयों, जो आप देख रहे हैं सामने, ये घोड़ा है। ये देखो भाइयों सामने, और सज्जन परिवार है और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। ये देखो भाइयों, ये घोड़ा है इनके पास और शुरू से ही घुड़सवारी का बहुत शौक रहा है इनको। ये देखो भाइयों, शेर को देखो उसको। और इधर से मैं दिखा दूँ आपको,
इधर दो दो नागौर नस्ल के बैल भी है। ये देखो भाइयों, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से दौड़ लेते हैं और खेती में भी काम आते हैं। देखो भाइयों, एक किसान के 100। ये देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से ये जो बैल है बांध रखे हैं यहाँ पे, और अच्छे भी लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप सभी, ये देखो भाइयों, ये देखो शेरों को। और पहले से इनके कदी पिताजी वो भी बैलों का शौक रखते थे। और ये देखो भाइयों, ये है नागौर नस्ल के बैल, सामने खड़ा एक घोड़ा, और उधर साइड में मैं दिखा दूँ, उधर साइड में भी पशु है, भैंस वगैरह, और दो दो उधर साइड भी गाय वगैरह खड़ी हुई है। ये देखो भाइयों, ये है खेती के राजा असली। और पहले जो खेती बाड़ी की जाती थी वो बैलों के द्वारा ही की जाती थी। और उधर देखो शेरू को से घोड़े को देखो कैसे कर रहा है। ये देखो भाइयों, और ये देखो कैसे देख रहा है बिल्कुल शेरू। ये इनके नागौर नस्ल के बैल है, और घोड़ा और बैलों का बहुत ही क्रेज रहा है इनको। ये देखो भाइयों, यहाँ पे हुक्का रखा हुआ है, और ये देखो भाइयों इनके दादाजी का हुक्का है, ये कभी बहुत पुराने जमाने का। ये देखो भाई, बारीकी से दिखाऊंगा आपको, ये इधर से और ये देखो भाई ऊपर तक। देखो भाई, कहते इनके दादाजी पिया करते थे इसको, और यहाँ पे इन्होंने दोबारा कर रखा है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसके लिए खाट वगैरह और कुर्सी वगैरह बिछा रखी है। ये देखो भाई, पूरा मकान कवरेज करके दिखाऊंगा। वीडियो को भाई शेयर जरूर कीजिएगा, और मिले हो तो पहुँचा देना भाई इस वीडियो को। ये देखो भाई, ये एक बार कवर करा दो आपको पूरा का पूरा घेर। ये इधर से और जी के पर तक कभी इनके दादाजी ने बनवाया था ये जो मकान आप देख रहे हैं, और आज भी इन्होंने अपने जो बड़ों की धरोहर है उसको संभाल के रखा हुआ है। और किसान योद्धा सलूट करता है इनको। देखो भाइयों, इधर हुक्का रखा है, सामने खाट है, उधर ट्रैक्टर खड़े हैं। देखो भाइयों, इधर कृषि यंत्र है, बैलगाड़ी है, घोड़ा है, दो दो नागौर नस्ल के बैल है। देखो भाइयों, सज्जन परिवार है। ये देखो भाई, ये खड़े शेरू। देखो भाई, काफ़ी बड़ा घेर है इनका, और कई एकड़ में बना रखा है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको इनकी घोड़ी दिखाऊंगा और खेत में दौड़ा के दिखाऊंगा। देखो भाइयों, वो जा रही घोड़ी, देखो कितनी रफ्तार से जा रही है, और अंकल जी बैठे हुए हैं इस घोड़ी पे। ये देखो भाइयों, इसकी चाल देखो भाइयों, और इधर बुग्गी खड़ी है, और ये अंकल जी का खेत है। ये देखो भाइयों, खेत में कैसे दौड़ रही है तेज रफ्तार से। ये देखो भाइयों, शेरनी की तरफ दौड़ रही है भाइयों बिल्कुल, और इस पर अंकल जी बैठे हुए हैं, और इधर इनका ट्रैक्टर है। ये देखो भाइयों, ये इन्हीं का ही खेत है, और इसे देखो भाइयों घोड़ी को कैसे दौड़ रही है। देखो भाइयों शेरनी को, और बहुत तेज दौड़ देती है किसान भाइयों। और भाइयों, इस वीडियो को मिलियनों में पहुँचा देना। ये देखो भाइयों, ये देखो भाइयों शेरनी की चाल। और अब अंकल जी इधर से आएंगे, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें आपको। ये देखो भाइयों, भाइयों जब चलती है तो शेरनी की तरह दौड़ती है। ये देखो भाइयों, और हम आपको इनके खेत में दिखाता हूँ, नागौर नस्ल के बैल काम कर रहे हैं। और ये देखो भाइयों, ये इनके बैल है जो मैंने आपको दिखाए थे शुरू में, ये वही बैल हैं इनके नागौर नस्ल के। और ये सामने पिताजी हैं इनके, और पीछे इनका लड़का है। ये देखो भाइयों, और बहुत शौकीन किसान हैं, और कभी इनके दादाजी को भी शौक था मतलब बैल वगैरह पालने का, घोड़े सवारी करने का, तो शुरू से ही शौकीन किसान हैं। ये देखो भाइयों, चाल देखो भाइयों बैलों की, और ए टू जेड सारी चीज़ें इनके घर में अवेलेबल है।
घोड़ा गाड़ी, नागौर नस्ल के बैल सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और किसान भाइयों, आप सभी से इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये नागौर नस्ल के बैल कैसे लगे और इनके जो घोड़ा है वो आपको कैसे लगा, कमेंट करके जो बताना। तब तक के लिए मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, राम राम जी।